लेकिन हमारे लिए सिर्फ अमीरे मोहतरम कीमती नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए मर्दी अमीरे मोहतरम कीमती नहीं है, हमारे लिए आम कारकुन भी उसी तरह कीमती है जैसे हमारी जाने कीमती है, जैसे हमारी इज्जत कीमती है इसी तरह आम कारकुन की इज्जत भी हमसे आला है। असी भाई के स्टार हो गए, किसी दिन साडा उलामा तो कोई नहीं ना, किसी दिन साडा उलामा नहीं, कोई बंदा नहीं कहेगा आप साडा मुंडा गिरफ्तार करा दिता है, साडा बेटा गिरफ्तार हो गया है, असी गिरफ्तार हो गए तो सानू किसी का उलामा नहीं, कोई बंदा सानू उलामा नहीं देगा। लेकिन किसी कारकुन का गिरफ्तार होना वो हमारे लिए अपने से भी बढ़ के अधिक मसला है, और हमारे कारकुनों के खिलाफ उदय दराज के खिलाफ इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करना ये दहशतगर्दी है, और हमने इस तरह की दहशतगर्दी कहेंगे बैक वाले कतल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये नहीं चाहते कि हमारे उद्यदारान जो थानों में जाए वो किसी उद्यदार के लिए किसी अच्छे से उधर मुतालबा करें कि भाई आपने हमारे उद्यदारान के आप हमारे पीपी के अमीर के खिलाफ पर्चा क्यों दर्ज किया है, इसकी गिरफ्तारी क्यों की है, इन्होंने कौन सा जुर्म किया है, और वो हमारे दिली अमीर को हमारे दीगर उद्यदारान को हवालात में बंद कर दें, और फिर आप ये सोचें कि आप भी अमर रहेगा। आपने ये देख लिया है, आपने ये देख लिया है कि सड़कों पे, और इसके साथ ही मैं यर्ज कर दूं, ये टेलीफोन आते हैं ये हमारा बंदा अस्पताल में है हमें खून की बोतल चाहिए, हमारा बंदा अस्पताल में है हमें दो बोतलें खून चाहिए, हमारी बीबी अस्पताल में है हमारा बच्चा अस्पताल में है। आप और जुमला का कुरान ये बात याद रखें कि हमारा हमारे खून का एक कतरा, हमारे खून का एक कतरा भी न किसी पीटीआई के मेंबर के लिए है, न किसी नून लीग के मेंबर के लिए है, न किसी काफ लीग के मेंबर के लिए है, न किसी पीपल पार्टी के मेंबर के लिए है। हम अपना खून नबी अकरम की इज्जत और नमूस के ताकत के लिए, अपना खून सड़कों पर बहाना जानते हैं, लेकिन दुश्मन दीन के लिए हमारे पास एक भी खून का कतरा नहीं। Ya Rasulullah.